देखो आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम रिवाइज करेंगे बेसिक्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, देखो मैं एक छोटी सी बात बस तुम लोगों को बताना चाहता हूं। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, ये हमें भी पता, सबको ही पता है। ठीक है, तो हम सभी ये जानते हैं कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं। एक छोटी सी बात जो अगर तुम लोग पहले से ना जानते हो या भूल गए हो तो मैं रिवाइज करवाने के लिए लिख देता हूं कि कंजंक्शंस होते हैं दो टाइप के, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है, और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं फॉर एंड नॉर बट और येट सो। और इनको याद रखने का तरीका होता है फैन बॉयज, मतलब एक फैन बॉयज नेमानिक होता है जिसके थ्रू हम इन वर्ड्स को याद रख लेते हैं, तो इसका यूज करो इन्हें याद रखने के लिए। फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ऐसे कंजंक्शन जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से मतलब होता है नाउन को नाउन से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऐसे। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के कंजंक्शंस होते हैं सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को छोड़कर जो बच गए वो सब सबॉर्डिनेट हैं। ठीक है, फिलहाल में इफ अनलेस अंटिल देन द दैट बिकॉज एज सुन एज लॉन्ग एज बिफोर आफ्टर व्हेन व्हाई हाउ एटसेट्रा। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं ना, सारे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं। तो इतने टाइप के कंजंक्शन होते हैं। अब इनके बारे में साउंड नहीं आ रहा, एक आप लोग एक चीज देखो, क्या साउंड नहीं आ रहा, क्या आवाज नहीं आ रहा? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि आवाज नहीं आ रहा। देखो मेरे फोन में आवाज आ रही है, देखो सुनो। तो पता है क्या, ये मेरे फोन पे लाइव चल रहा है, अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो तुम लोग जानोगे तो मुझे भी पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अपना फोन वगैरह थोड़ा सा बच्चे चेक करो, आवाज आ रही होगी। ठीक है, हाँ, ज्यादातर बच्चे देखो कमेंट कर रहे हैं साउंड क्लियर है, आ भी रहा है। ठीक है, खैर, अब इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं ना, सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, ये हमें पता चल गया। ठीक है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या करते हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन का काम करती हैं, ये पता चलना चाहिए। एक दो छोटी छोटी बातें जो और ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखते हैं, ठीक है, नीदर नॉर लिखते हैं या इधर और लिखते हैं, तो जो इधर है, नीदर है, ओनली है, ये डिटरमिनर्स होते हैं। कंजंक्शन होता है बट नॉर और। अब देखो बट है, नॉर है, और है, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो ये जो पेयर बन गया ना, इधर और का, नीदर नॉर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, इन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साथ यूज होते हैं, मतलब रिलेटिव वर्ड होता है, और जो होता है वो रिलेटिव टू इधर होता है, निधर जो होता है उसका रिलेटिव वर्ड नॉर होता है। ठीक है, तो ये एक साथ में यूज होते हैं तो हम इन्हें कोरिलेटिव कह देते हैं। हालांकि एक चीज और बता देता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर लिखोगे तभी और आएगा, और को हम अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे इधर लिखा और उसके बाद हमें और कंजंक्शन लिखना पड़े तो हमेशा और लिखा करो। ठीक है, तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये देखो और है, नॉर है, बट ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए थी, बाकी कुछ खास बात होगी तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो समझा देंगे। अब आते हैं हम लोग सीधे बिना टाइम खराब किए क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, ध्यान। अरे ये तो तीन है, चलो कोई नहीं, मैं सोच रहा था एक एक क्वेश्चन की स्लाइड होगी, तो तीन क्वेश्चन की स्लाइड आ गई एक साथ में। नॉट एन इशू, नॉट अ बिग इशू।
देखो ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करेंगे ये हैं रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ कंजंक्शंस, मतलब ये कंजंक्शंस के यूजेस पे बेस्ड हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार आप लोग इन्हें ट्राई करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक बच्चा कह रहा है क्लास नहीं दिख रही है। बेटा ऐसा तो नहीं तुम चश्मा लगा के नहीं बैठे हो, चश्मा रख दिया नीचे, चश्मा लगा लो। 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं उसके लिए पीडीएफ मांग रहे हो। 10 क्वेश्चन के पीडीएफ बनाते हुए हमें सोचना पड़ेगा। एक वो कह रहा है दो व्यू कर दो, दो व्यू कर दो। तुम पढ़ो, एक में काम नहीं चलेगा तो फिर बाद में दो कर दूंगा, लेकिन अभी पढ़ो तो सही। सही है, सही आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा बात। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लाइव बच्चे हैं कितने। पिछली बार तो यहां से पता चल आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा पता नहीं चल रहा है। यहां से 1 मिनट पता चलेगा। चलो सही है, चलो अब 1 मिनट चैट कहीं चलेगी। ये आएगा यहां से, ठीक आ गया, आ जाओ। इधर और आ गया। चलो अब देखो, हमने लिखा द ओनली सर्वाइवर ऑफ द एक्सीडेंट नॉट ओनली थैंक्ड गॉड फॉर हिज ग्रेस बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर देयर विशेस। अब हमने पढ़ा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होता है ना, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से मतलब समझना, ये जो नॉट ओनली हमने लिखा ना, ये हमने लिखा थैंक्ड से पहले जो कि वर्ब है। ठीक है, बट ऑल्सो हमने कहां लिखा है, बट ऑल्सो हमने लिखा हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पहले। ठीक है, ये जो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट है क्योंकि नाउन है, वर्ब तो है नहीं। अब हम देख रहे हैं हमसे गलत हो गया। गलत क्या हो गया, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो को तुम यूज करोगे ना, तो ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ेंगे। सेम रैंक से मतलब अगर ये हम बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं तो नॉट ओनली भी ऑब्जेक्ट से पहले होना चाहिए, या अगर हम नॉट ओनली को वर्ब से पहले लिख रहे हैं तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वर्ब तो हमारे पास दो है नहीं, वर्ब तो एक ही है बस थैंक्ड। ऑब्जेक्ट जरूर दो है, एक ऑब्जेक्ट है गॉड, ही थैंक्ड गॉड, एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है। जियो धोखा दे रहा है ना आज बेटा, अगर कोई फोन पे किसी के नहीं चले ना वीडियो, तो ये तुम्हारे जियो यू सिम करते हुए इस वजह से नहीं चल पा रही है, मेरी वजह से ओके रिपोर्ट जा रही है। ठीक है, जियो यूज करोगे चलेगा, है नहीं एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो। हाँ तो यहां पे पता क्या, दो वर्ब तो हमारे पास है नहीं जिन्हें हम कनेक्ट कर लें, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास जरूर हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉट ओनली को पहले ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, बट ऑल्सो दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको यहां से हटाओ, यहां ले आओ। तो फिर से एक बार बता देता हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। सेम रैंक का मतलब यही होता है कि अगर हमने नॉट ओनली को ऑब्जेक्ट से पहले लिखा ना, तो बट ऑल्सो भी ऑब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया ये। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। मोस्ट स्कूल्स इन दिस एरिया हैव इंक्रीज ईदर द फीस और लेविड सम अदर चार्जेस टू वर्सन द सिचुएशन फॉर पुअर पेरेंट्स। इसका भी आंसर बताओ, इसका इसका सेकेंड का आंसर बताओ। आंसर बताओ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग। हाँ सही कह रहा है ये, देखो रवि ओलियान सही कह रहा है बिल्कुल। दिन में नेट खर्च कर लोगे व्हाट्सएप और फेसबुक पे, शाम को क्लास चलेगी नहीं, तब तक डेटा पैक खत्म हो जाता है। अब की किसी ने पीडीएफ पकड़ा ना, उसको मैं बाहर खींच लूंगा। जब बता रहा हूं पीडीएफ बाद में दूंगा, मानते नहीं। चलो खैर, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ आ गया तो मैं देखो समझा देता हूं। यहां पर हमने इधर का यूज किया है द फीस से पहले जो कि ऑब्जेक्ट है, और का यूज किया लेविड से पहले जो कि वर्ब है। ठीक है, लगाना थोपना इसका मतलब ये होता है। अब यहां पे एक चीज देखो, अगर हम इधर का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से पहले, तो और भी ऑब्जेक्ट से पहले होना चाहिए था, या अगर हम और का यूज कर रहे हैं वर्ब से पहले, तो फिर इधर का भी यूज वर्ब से पहले होना चाहिए था। तो ये हमने गलत लिख दिए कंजंक्शन। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो हमारे पास वर्ब दो हैं, एक है इंक्रीज्ड, ठीक है, और एक है लेविड। इंक्रीज वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही है द फीस, लेविड वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं शायद, नहीं उसका भी एक ही है सम अदर चार्जेस।
तो हम ऑब्जेक्ट्स को जोड़ नहीं सकते। ऑब्जेक्ट को इसलिए नहीं जोड़ सकते कि क्योंकि दोनों वर्ब के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अगर एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम उन्हें कनेक्ट कर लें। तुम भाई हो वास्तव में, अब मैं कहूंगा नहीं, एक वो आई लव यू कर रहा है, देखो उसको आई लव यू कर रहा है। तुम पढ़ने आए हो, तुम बकवास की बातें करते हो इस समय, ठीक है? कहेंगे तो यहां देखो, इधर जो है उसको हमने फिस से पहले लिखा जो कि ऑब्जेक्ट है, और को हमने लेविट से पहले लिखा जो कि वर्ब है, तो ये गलत हो गया। या तो दो वर्ब जोड़ लो या दो ऑब्जेक्ट जोड़ लो। दो ऑब्जेक्ट हम जोड़ नहीं सकते। दो ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि जो लेविट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट एक है और इंक्रीज का ऑब्जेक्ट एक है, तो दोनों वर्ब के अलग अलग ऑब्जेक्ट है और वो एक ही एक है, तो हम ऑब्जेक्ट को जोड़ नहीं सकते। ऑब्जेक्ट हम तब जोड़ सकते हैं जब किसी एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो। तो अब हमारे पास ऑप्शन एक ही, हम दोनों वर्ब को जोड़ दें। अगर वर्ब को कनेक्ट करोगे तो और को हमें यूज करना पड़ेगा दूसरी वर्ब से पहले जो कि लिखा हुआ है, इधर का यूज करना पड़ेगा फर्स्ट वर्ब से पहले जो कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर लो, ये सही हो गया, ठीक है? मोस्ट स्कूल्स इन दिस एरिया हैव इधर इंक्रीज द फीस और लेविड सम अदर चार्जेस, ठीक है? बढ़िया, अगले पे आ जाओ। मोस्ट स्कूल, बिल्कुल सही बच्चे। देखो मोस्ट स्कूल्स का मतलब हो गया मैक्सिमम स्कूल्स इन जनरल, ठीक है? अगर हम मोस्ट स्कूल्स लिख रहे हैं ना, तो मोस्ट स्कूल का मतलब हो गया ज्यादातर, नॉट ऑल बट मैक्सिमम, ठीक है? वो सही है। टी शर्ट में अच्छा लगता हूं, थैंक्स सर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। द ड्राइवर विल ड्रॉप यू एट इधर योर ऑफिस और योर होम। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। नो एरर नहीं है बच्चा, सब में एरर है। ये जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, तुम ध्यान से देखना, इसमें नो एरर का मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। ये सब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, तो हर एक में कुछ ना कुछ एरर है, ये सोच के बताओ। एक बार तुम मुझे तक आंसर बताओ, मैं ये डोर बंद कर देता हूं। द ड्राइवर विल ड्रॉप यू एट इधर योर ऑफिस और योर होम। है पहले इधर नहीं होगा, ठीक है? इधर एट योर ऑफिस, नो एरर, एट योर होम, इधर और ऑफिस और होम, इधर एट योर ऑफिस और होम। मैं जो पूछना चाह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन तुम लोगों से, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देखो ये तो हमें पता गया गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो हमने लिखा है योर ऑफिस और योर होम, ठीक है, ये दोनों नाउन है। अब हमें देखने में लगेगा ये सही है, जैसे कुछ बच्चे हैं ना वो नो एरर कमेंट कर रहे हैं। नो एरर कमेंट क्यों कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं। वो नो एरर इसलिए कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं, सेकेंड योर नहीं रिमूव करो बच्चे। देखो एक बच्चा कह रहा है कि ये छोटी छोटी गलतियां हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हमने देखा दो बार योर लिखा हुआ तो हम इस योर को गलत मान लेंगे, और हम क्या करेंगे उस पार्ट को गलत मान के उसको करेक्ट कर देंगे जबकि वो गलत है नहीं। अगर हम योर ना लिखें तो भी सही है, लिख दें तो भी सही है, मतलब ये दोनों डिटर्मिनर हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी सही है, लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है? तो वो एरर नहीं है। यहां देखो एरर क्या है, हमने लिखा द ड्राइवर विल ड्रॉप यू, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। वेयर, वेयर विल यू ड्रॉप यू, तो वेयर का रिप्लाई आ गया एट योर ऑफिस और एट योर होम, ठीक है? ऐसे हो गया। अब यहां पे देखना, ये जो योर ऑफिस है और योर होम है, ये एक्चुअल में एडवर्ब फ्रेज है। वेयर का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई हो गया एट योर ऑफिस, वेयर का रिप्लाई हो गया एट योर होम। दोनों को हमने और से कनेक्ट किया तो हमने प्रिपरेशन कॉमन कर ली, दोबारा नहीं लिखी, ठीक? तो अब जो भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे, जो भी वर्ड यूज करेंगे, वो इस एड से पहले लिखेंगे। एड से पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है ना, ये एडवर्ब फ्रेज है, हम इसे स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है? चूंकि हम इसे स्प्लिट नहीं कर सकते, तो अगर प्रीपोजिशन के बाद में लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। तो ये जो हमने इधर लिख रखा है ना एड के बाद, ये गलत जगह लिखा हुआ, इसको यहां लिखो। इधर एड से पहले आएगा, हाँ ये है आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे समझ, एक बच्चा कह रहा समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसमें ऐसा कुछ वैसे है नहीं खास समझ में नहीं आने वाले, तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बेसिक्स की, फिर भी देखो बता देता हूँ। जब हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं और उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो हमें अगर कोई कंजंक्शन वगैरह यूज करना है ना इस फ्रेज के लिए, तो वो हम कंजंक्शन इससे पहले लिखेंगे। प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में मत लिखा करो कंजंक्शन, और ना ही कोई एडवर्ब लिखा करो, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है वर्सन क्या है। वर्सन देखो मैं बता देता हूं बच्चे, वर्सन क्या होता है, वर्सन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम किसी एडजेक्टिव को या नाउन को वर्ब बनाते हैं, जैसे वर्स जो है ना, ये एडजेक्टिव है, वर्स जो है एडजेक्टिव है, बैड वर्स वर्स्ट होता है। अभिनव पटेल, अभिनव पटेल पूछ रहे हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा,
बेटा अब की पूछा ना, तो तेरे को मैं वो कर दूंगा, क्या नाम समझ लियो क्या कर दूंगा, ठीक है। ये मत पूछा करो कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबके दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। कमेंट छोड़ो, मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है मैं देखो अभी तुम्हें बताता हूँ। कमेंट के अलावा मुझे यहाँ पर ये तक दिख रहा है कितने बच्चे लाइव हैं, ठीक है, तो सब दिख रहा है। तुम अपना पढ़ाई करो, आंसर कमेंट करो, ठीक है, जब पूछूं तब। अब बेकार की बातें नहीं करो, चलो। तो वर्सन पता है क्या, ठीक है, योर भी कॉमन हो जाएगा, भी अपने आप कमेंट कर रहे हो ना, भी कॉमन हो जाएगा, मतलब उसको नहीं करेंगे तो भी सही है, कर देंगे तो भी सही है। तो यहां पे देखो, वर्स जो है ये एडजेक्टिव है, बैड वर्स वर्स्ट होता है, कंपेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। और चूंकि जब हम किसी एडजेक्टिव या नाउन को चेंज करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको वर्ब बनाते हैं, तो हमने उसको वर्सन लिख दिया। वर्सन लिखने से वर्ब बन गया, इसका मतलब क्या, खराब करना। वर्सन का मतलब और खराब करना किसी चीज को, ये वर्ब है। तो ये जो हमने लिख रखा है ना वर्ब, ये जो हमने टू वर्सन लिखा ना बच्चे, ये हमारा इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो ये तीन क्वेश्चन हो गए, इधर उधर की बातें बहुत पूछ रहे हो, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताएं सभी। द टूरिस्ट एंजॉयड द पीपल देयर, द ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट दे विजिटेड एंड लेफ्ट फॉर देयर ऑन कंट्री विद स्वीट मेमोरीज, ठीक है। आर फ्रेंड्स, आर एजुकेशन एंड वट वी बिलीव हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर थिंकिंग एंड आर एक्शन। मोस्ट पीपल स्टिल बिलीव दैट गॉस्ट हैव लॉन्ग टीथ एंड नेल्स दैट दे आर अफ्रेड ऑफ लाइट एंड साउंड। आंसर बताओ। आजाद कौशिक, ये जो तुम क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हो ना, इसमें जो कॉर्डिनेट क्लॉज है तुम्हारी, नॉट विल सी बी इन टाउन ड्यूरिंग, ये जो नॉट होता है ना, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, इसको हम मेन वर्ड से पहले लिखकर यूज करते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में लिखो ना, तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखेगी। तो वो जो हमने लिख रखा है नॉट विल सी बी इन टाउन ड्यूरिंग द वीकेंड, वो हमने इन्वर्टेड फॉर्म लिखी। जब हम एडवर्ब्स को स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस में या क्लॉज में शुरू में लिखते हैं, तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखा करो। एक बच्चा कह रहा है वीडियो बना के अपलोड कर दो। देखो, वीडियो बना के अपलोड कर दें तो मुझे भी सुविधा है, आपको भी सुविधा है, टाइम भी बचेगा। लेकिन ये जो मैं तुमसे आंसर जानना चाहता हूँ ना, फिर ये नहीं जान पाऊंगा, इसके चक्कर में तो मैंने यहाँ पे नेट लगवाया, बोर्ड खरीदा। आंसर अब देखो, यहाँ पे समझना होता क्या, जैसे कोई मान लो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, या फिर हम मान लें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी, तो हम इन एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन यूज करेंगे एंड बी। अगर दो से ज्यादा है तो हम फर्स्ट टू के बीच में कॉमा यूज करेंगे, लास्ट टू के बीच में कंजंक्शन यूज करेंगे ए बी एंड सी। लाइकवाइज अगर उससे भी ज्यादा है तो जो भी लास्ट है उनके बीच में कंजंक्शन यूज करेंगे, बाकी के लिए कॉमा यूज करेंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो तुम लोगों को पहले से पता होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमने लिखा द टूरिस्ट एंजॉय द पीपल देयर, द ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट दे विजिटेड एंड लेफ्ट फॉर देयर ऑन कंट्री विद स्वीट मेमोरीज, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना, ये जो हमने लिखा है ना लेफ्ट फॉर देयर ऑन कंट्री, ये एक प्रेडिकेट है, ठीक है, प्रेडिकेट समझ रहे हो, लेफ्ट वर्ब हो गई और ये उस वर्ब के बाद का सारा पार्ट हो गया। तो वर्ब के साथ में जो सेंटेंस का पार्ट स्टार्ट होता है ना, वो प्रेडिकेट होता है, क्योंकि वो हम सब्जेक्ट के बारे में यूज कर रहे होते हैं। सो लेफ्ट फॉर देयर ऑन कंट्री विद स्वीट मेमोरीज, ये प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, एंड से हमने इस प्रेडिकेट को जोड़ रखा है एक दूसरे प्रेडिकेट से, दूसरा प्रेडिकेट ये है एंजॉयड द पीपल देयर, ठीक है, ऐसे एंजॉयड द पीपल देयर द ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट दे विजिटेड, ये दूसरा प्रेडिकेट हो गया। अब इन दोनों प्रेडिकेट को हमने एंड से जोड़ दिया, एक प्रेडिकेट ये हो गया, एक प्रेडिकेट ये हो गया, दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रेडिकेट है, इसमें हमारी जो वर्ब है एंजॉयड है, इस एंजॉयड वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है द पीपल देयर और दूसरा है द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट दे विजिटेड। अब देखो, द पीपल एक ऑब्जेक्ट हो गया, द ब्यूटीफुल प्लेसेस दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, ब्यूटीफुल प्लेसेस को, हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिख दी दैट दे विजिटेड। दैट द विजिटेड जो हमने लिखा ना, वो एडजेक्टिव क्लॉज है जो प्लेसेस को डिस्क्राइब कर रही है। ब्यूटीफुल प्लेसेस और पीपल, ये दोनों ही इस एंजॉय वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। अगर ये दोनों इस एंजॉय वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें इनको भी कंजंक्शन से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड। तो ये है आंसर।
तो आंसर हमारा ये है कि हमें देयर के बाद में और ब्यूटीफुल प्लेस से पहले एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उनको एंड से जोड़ना पड़ेगा। कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हमें जोड़ने के लिए ऑब्जेक्ट दो से ज्यादा हो, जैसे ए बी एंड सी है ना, तो ए बी के लिए कॉमा यूज कर लेंगे और जो सी है उसको एंड के साथ लिख देंगे। लेकिन अगर केवल मान लो ए और बी हो तो कॉमा नहीं यूज करना पड़ेगा, फिर कंजंक्शन ही लिखना पड़ेगा, ए बी एंड सी। ठीक है। एंजॉय का ऑब्जेक्ट पीपल कैसे सर? कोई भी हो सकता है बेटा। एंजॉय का एंजॉय करना मतलब देख के खुश होना किसी चीज को, तो एंजॉय का तो कुछ भी हो सकता है। लोग मैच एंजॉय करते हैं तो कैसे एंजॉय कर लेते हैं? हम लोगों से मिले, उनके साथ टाइम बिताया, बातें करी, तो अच्छा किया। वी एंजॉयड द कंपनी, वी एंजॉयड द पीपल। बढ़िया, बहुत अच्छा है, तुम में से बहुत से बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आर फ्रेंड्स, आर एजुकेशन एंड वट वी बिलीव हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आर थिंकिंग एंड आर एक्शन। कमेंट योर आंसर्स। एंड के पहले कॉमा होगा, एंड के पहले कॉमा होगा। देखो, एंड के पहले जो हम कॉमा यूज करते हैं ना, उसके बारे में तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे ए बी सी तीन एलिमेंट हो गए, तब तो कॉमा मत यूज करो, ठीक है? हालांकि यूज कर लेना चाहिए, उसे हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, उसका एक यूज हम डिस्कस करेंगे किसी क्लास में यूट्यूब पर वैसे। ठीक है, नहीं यूज करोगे तो भी सही है। लेकिन अगर ये एंड जो है ना, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन हो, मतलब हम इस एंड के साथ में कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो कॉमा जरूर लगाया करो। मेन क्लॉज को और कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा जरूर लगाया करो। अगर हम सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को या ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं एंड से, तो वो कॉमा लगाना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। एंजॉय डाइट्रांसिटिव वर्ब होता है? नहीं, बच्चे, एंजॉय डाइट्रांसिटिव नहीं होता है, एंजॉय मोनोट्रांसिटिव भी होता है। एंजॉय डाइट्रांसिटिव होता है, कोई एग्जांपल कमेंट करके बताओ। ये समझ में आ गया? आर फ्रेंड्स, आर एजुकेशन एंड व्हाट वी बिलीव हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन आर थिंकिंग। अब यहां पे देखो एक चीज, ये जो हमने लिखा ना, हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आर थिंकिंग, ये तो है प्रेडिकेट, मतलब ये बात हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि वे बड़ा ग्रेट इंपैक्ट होता है हमारी सोच पे और हमारे एक्शन पे। अब किस चीज का होता है? ठीक है, ये जो बफरिंग की शिकायत करने वाले बच्चे हैं ना, ये अपना नेट सही रखें क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए नेट अच्छा रखा करो बच्चे। देखो मेरे फोन में बिल्कुल ओके चल रहा है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो मेरे फोन में चल रहा है ना, ये देखो। ठीक है, नेटवर्क की अच्छी स्पीड है तो सही चल रहा है। तो अगर नेट की अच्छी स्पीड होगी सही चलेगा, बफरिंग वगैरह नहीं होगी। तो अब देखो यहां पर, हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आर थिंकिंग एंड आर एक्शन, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट अगर ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड व्हाट वी बिलीव, ये तीन सब्जेक्ट हैं, मतलब एंड से जोड़ दिए, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। एक है फ्रेंड्स, एक है एजुकेशन और एक है व्हाट वी बिलीव। तो ये तीनों सब्जेक्ट मिलके कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए उस प्रेडिकेट के लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पहला सब्जेक्ट है एक नाउन फ्रेंड्स, दूसरा सब्जेक्ट है एक नाउन एजुकेशन, लेकिन तीसरा जो है वो एक क्लॉज है, व्हाट वी बिलीव। ठीक है, जो हम मानते हैं। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ेगा। तो अगर ये नाउन है, ये नाउन है, तो इसको भी नाउन फॉर्म में लिखो, क्लॉज नहीं। तो इसको लिखो आर बिलीव, आवर बिलीव्स। तो ये आंसर है। फिर से समझ लो जो मैंने किया है, मैं समझा देता हूँ। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर छोड़ते हैं। सेम रैंक का मतलब ये होता है कि अगर ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो वो भी वर्ड हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये वर्ड है, ये वर्ड है, वो क्लॉज हो। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास तीन सब्जेक्ट थे, एक आर फ्रेंड्स, एक आर एजुकेशन और एक व्हाट वी बिलीव। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट है, इनमें दो, ये दोनों तो वर्ड है, लेकिन वो तीसरा वाला जो है वो क्लॉज है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी वर्ड फॉर्म में लिख देंगे। व्हाट वी बिलीव को अगर हम नाउन से मतलब रिप्लेस करेंगे, तो उसकी जगह नाउन आ जाएगा आर बिलीव्स। तो ये हो गया आर फ्रेंड्स, आर एजुकेशन एंड आर बिलीव्स। ठीक है, थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल स्टिल बिलीव दैट गॉस्ट हैव लॉन्ग टीथ एंड नेल्स, दैट दे आर अफ्रेड ऑफ लाइट एंड साउंड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। लोअर क्वालिटी ऑफ वीडियो, ठीक है, देखो लोअर क्वालिटी पे चेक कर लोगे ना, तो वास्तव में दिखाई पड़ेगा नहीं, बड़ा हेजी नजर आएगा वीडियो। तो हमें लग रहा है जो हमने क्वालिटी वीडियो की सेट कर रखी है ना, ये बिल्कुल ओके है, मतलब ऐसी क्वालिटी है कि सबके लिए सही होती है।
तो मैं तुमसे कहूंगा लोअर क्वालिटी के डिमांड ना करके ना थोड़ा सा नेट से यूज कर लिया करो, मतलब थोड़ी सी स्पीड वगैरह वाईफाई वगैरह अगर हो जाए तो वैसे कर लिया करो, ठीक है? तो ये लोअर क्वालिटी मत करवाओ, नहीं तो फिर वीडियो ना बड़ा अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, तुम घटाने के लिए कह रहे हो मेरे से, अजीब। यहाँ आ जाओ, देखो मोस्ट पीपल बिलीव, ये मोस्ट पीपल सब्जेक्ट हो गया, बिलीव वर्ब हो गई। व्हाट डू दे बिलीव? दे बिलीव दैट गॉस्ट हैव लॉन्ग टीथ। वो ये मानते हैं कि गॉस जो होते हैं उनके लॉन्ग टीथ होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है? और दांत के अलावा क्या होता है, नेल्स, दांत के अलावा उनके नाखून भी होते हैं। अब देखो ये जो लॉन्ग टीथ है ना और नेल्स है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इस हैव वर्ब के, ठीक है? उनको एंड से जोड़ दिया। ये जो पूरी क्लॉज है ना, दैट गॉस हैव लॉन्ग टीथ एंड नेल्स, ये इस बिलीव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। फिर हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट और है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दैट दे आर अफ्रेड ऑफ लाइट एंड साउंड, कि जो गॉस्ट होते हैं वो साउंड से और लाइट से डरते हैं। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो नाउन क्लॉज हैं। ये जो दैट कंजंक्शन होता है ना, इसके साथ लिखी हुई क्लॉज नाउन होते, ठीक है? तो दैट गॉस्ट हैव लॉन्ग टीथ एक क्लॉज है, दैट दे आर अफ्रेड ऑफ लाइट एंड साउंड दो क्लॉज हैं। अब ये जो दोनों क्लॉज है ना, ये दोनों ही क्लॉज इस बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये दोनों क्लॉज इस बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हमें इनको एंड से जोड़ना पड़ेगा। तो दैट से पहले एंड लिखो, तो ये आंसर है, ठीक है? तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर देते हो तुम लोग कई बार, ठीक है? रिमूव दैट, यूज एंड। बेटा दैट, देखो एक बच्चा कह रहा है कि दैट रिमूव कर दो, मैं बता देता हूं दैट रिमूव नहीं करना है। दैट इसलिए नहीं रिमूव करना है क्योंकि जो दैट क्लॉज है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। नाउन क्लॉजेस जो होती हैं वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाती हैं। अगर तुम किसी क्लॉज को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हो तो उसके लिए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए होगा। एंड सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होता नहीं है, दैट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो दैट गॉस्ट हैव लॉन्ग टीथ एक क्लॉज है, दैट दे आर अफ्रेड ऑफ लाइट एंड साउंड दूसरी क्लॉज है। अब ये दोनों एक क्लॉज इस बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये दैट जो हम कंजंक्शन लिख रहे हैं वो उस क्लॉज के लिए लिख रहे हैं, लेकिन अब हमें एक कंजंक्शन चाहिए होगा इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए। तो एंड लिखना है, दैट को रिमूव नहीं करना है। दैट रिमूव कर दोगे तो गलत हो जाएगा, दैट लिखा रहने दो, उससे पहले एंड लिख दो। वो जो एंड है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देगा, दोनों क्लॉज ऑब्जेक्ट हैं बिलीव वर्ब के, तो उन्हें कनेक्ट कर देगा, ठीक है? डिपार्टमेंटल मैनेजर एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनोमी इन वर्क प्लेस, इन द वर्क प्लेस के बजाय एट द वर्क प्लेस लिखो, एट वर्क प्लेस लिखो। बाकी बच्चे ब्रजेंद्र मोहन त्रिवेदी सही है, एट द वर्क प्लेस लिखो, सही है। पॉइंट के लिए एट का यूज किया। सर दैट वाली क्लॉज तो रिलेटिव क्लॉज होती है। अब देखो एक कलाकार आ गया, अरे भैया दैट वाली क्लॉज रिलेटिव तब होती है जब वो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और जब भी वो रिलेटिव क्लॉज होगी तो हमेशा उसका कोई एंटीसीडेंट होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद उसे लिखा जाएगा। बिलीव वर्ब है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। तो जो दैट क्लॉज हम लिख रहे हैं ये एडजेक्टिव्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। दैट के साथ लिखी क्लॉज नाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है। एडजेक्टिव तब होती है जब उसे डिस्क्राइब करने के लिए किसी नाउन को यूज करें, ठीक है?